Assalamualaikum फ्रेंड्स, वेलकम टू एन बी एस फाइन कुकिंग। आज मैं मेरी वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ कि पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर लहसुन लेंगे ग्रेट करी हुई, और ग्रेट करी हुई प्याज लेंगे, और 6 से 8 टमाटर रफली चॉप्ड। हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम लोग इसमें ग्रेट करी हुई लहसुन डालेंगे। हम लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसके कच्चे स्मेल गए जब तक इसे तल लेना है। लहसुन लाइट ब्राउन होने आ रही है, अब हम इसमें ग्रेट करी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को भी अच्छे से लाइट ब्राउन कलर हुए जब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हुए जब तक हम लोग टमाटरों को ग्राइंड कर लेंगे। अब ये हम लोग एक जार में चॉप करे हुए टमाटर डालेंगे और उसे ग्राइंड करके उसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने टमाटरों को ग्राइंड कर लिया है। हम लोग टमाटरों को इसीलिए ग्राइंड करते हैं ताकि हमारा पिज़्ज़ा सॉस एकदम स्मूथ बने। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसके अंदर ग्राइंड करा हुआ टमाटरों का पेस्ट डालेंगे। फिर हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें टमाटरों को जब तक पकाना है जब तक के साइड से तेल छूटने लगे। हम लोग इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। 1/2 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे, आपको जितना स्पाइसी चाहिए आप उतना ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पर इसके ऊपर मिक्स्ड हर्ब्स डाल रही हूँ। आपको मिक्स्ड हर्ब्स इटालियन सीजनिंग या ऑरिगेनो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप डाल लीजिए। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसके ऊपर तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं, या फिर ड्राई तुलसी के पत्तों को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, या अजवाइन को भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स भी मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए या फिर आप बच्चों के लिए बना रहे तो चिली फ्लेक्स स्किप भी कर सकते हैं आप लोग। अब हम इसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून टोमेटो केचप डालेंगे। टोमेटो केचप डालने से पिज़्ज़ा सॉस में स्वीटनेस आती है और इसे पिज़्ज़ा सॉस का टेस्ट भी अच्छा आता है। टमाटे पक चुके हैं, अब हम इसके अंदर एक बारीक चॉप्ड कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम डालने से पिज़्ज़ा सॉस का फ्लेवर अच्छा आता है। देखिए, पिज़्ज़ा सॉस बनकर रेडी है, साइड से तेल भी छूट रहा है। देखिए, हमारा पिज़्ज़ा सॉस बनकर रेडी है। पिज़्ज़ा सॉस ठंडा होने के बाद आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। जब भी आपको मन करे पिज़्ज़ा खाने का तो पिज़्ज़ा सॉस निकाल लीजिए और पिज़्ज़ा बना लीजिए। होप आप लोग को मेरी ये पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।